छोटी पिछले क्लास में आप लोग को मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा पढ़ाया था। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो हेडलाइन डालिए बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। पिछले क्लास में बेकिंग सोडा और मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा डिस्कस किया था, और आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। देखिए बाबू, प्रॉपर्टी बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टीज होता क्या है? पहला, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ये कौन सा नेचर का होता है? अल्कलाइन बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन इन नेचर। हम लोग कैसे कहेंगे कि अल्कलाइन नेचर का होता है बाबू? जब बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, जब बेकिंग सोडा को किसके साथ, वाटर के साथ ये मिक्स करके किया जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है बाबू? एन प्लस एक्वस मिलता है और प्लस में HCO3- एक्वस मिलता है। ये आपका वीक HCO3- होता क्या बाबू? ये वीक एसिड होता है। क्या होता है बाबू? और ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ध्यान दीजिए बाबू, इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। अब ध्यान दो, HCO3- को अगेन वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है, वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। अगेन जब वाटर के साथ जब मिक्स किया जाता है बाबू, तो जानते हो ये बिक एसिड देता है। क्या देता है? बिक एसिड। और क्या बनाता है? ध्यान दीजिए, H2CO3 बनाता है प्लस OH- देता है। क्या देता है बाबू? OH-। और OH- होता क्या है? ब्रेक से होता है। ये जो साल्ट सॉल्यूशन होता है बाबू, ये क्या होता है? इज बेसिक होता है। ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCO3- आयन्स। जब हम कार्बोनिक एसिड का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो जो साल्ट हमको ऑब्टेंड होता है HCO3, वो किस नेचर का होता है बाबू? बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। ध्यान दो, सेकंड में क्या है बाबू? अभी तो हमारा क्लाइनिक नेचर में पड़े, अब एक्शन ऑन हीट, एक्शन ऑन हीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है बाबू? ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा जब बेकिंग सोडा को क्या करेंगे बाबू? हीट करेंगे किसके साथ? इज डिकम्पोज टू फॉर्म इट
क्या देता है? सोडियम कार्बोनेट देता है। क्या देता है बाबू? सोडियम कार्बोनेट देता है, Na2CO3 देता है, और प्लस में क्या देता है? प्लस में आपको वाटर देता है। क्या देता है बाबू? वाटर। जब इसको हम क्या करेंगे? हिट करेंगे तो Na2CO3 देता है। विथ इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, साथ में क्या देता है बाबू? ध्यान दो, जब हम NaHCO3 ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको जब हिट किया जाता है बाबू तो Na2CO3 बनता है। ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साथ में क्या बनेगा बाबू? ये आपको H2O देगा और प्लस में CO2 गैस देता है। क्या देता है? H2O प्लस CO2 गैस, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो एक सेकंड प्रॉपर्टी क्या था बाबू? सेकंड प्रॉपर्टी था कि अल्कलाइन नेचर का होता है, और सेकंड प्रॉपर्टी में जब हीट देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन होता है। कौन? बेकिंग सोडा। अब बताओ बैलेंस है बाबू? हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन 3, 4, 6 सही है बैलेंस है। अब बेकिंग सोडा का यूज कहां होता है बाबू? लिखो, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। ये तो आपका प्रॉपर्टीज हुआ कि हीट पे बेकिंग सोडा का क्या इफेक्ट रहेगा, और जब वाटर में जाएगा तो बेकिंग सोडा का क्या इफेक्ट रहेगा। ये आपका क्या था? ये आपका प्रॉपर्टीज था। अब लिखिए, यूज ऑफ बेकिंग सोडा, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। अब बताइए, बेकिंग सोडा का बहुत सारा यूज है जो आप लोग जन डेली लाइफ में देखते हो। सबसे पहले तो इसका मेडिसिन में भी है। एंट एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी, टू रिमूव एसिडिटी। सेकंड बेकिंग सोडा का क्या हुआ बाबू? बेकिंग पाउडर बनाने में, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है बाबू? देखिए, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एसिड लाइक टार्टरिक टार्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और एसिड का क्या होता है? मिक्सचर होता है। अब क्या होता है? बिन बेकिंग पाउडर
इज मिक्स्ड विथ वाटर। जब हम बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ जब हम मिक्स करते हैं मिक्स्ड विथ वाटर देन बेकिंग सोडा react with acid to form। देखो बाबू जब बेकिंग सोडा क्या होता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ध्यान दीजिए जब रिएक्ट विथ एसिड की जगह पर निकलो बाबू कौन सा एसिड टार्टरिक एसिड। अब बताइए जब टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है टू इवॉल्व CO2 गैस कौन सा गैस इवॉल्व होता है CO2 गैस इवॉल्व होता है। ध्यान दीजिए हम क्या बोले जब बेकिंग सोडा CO3 एक्वस लेते हैं क्या लेते हैं बाबू एक्वस ये बेकिंग सोडा हुआ किसके साथ H प्लस आता कहां से है ध्यान दीजिए फ्रॉम टार्टरिक एसिड फ्रॉम टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड से क्या आता है बाबू H प्लस आता है और क्या बनाता है बाबू इन प्लस एक्वस बना देगा अब प्लस में CO2 गैस देता है ये सोडियम आयन देता है सोडियम आयन देता है। अब देखिए बाबू ये इसका सेकंड यूज था ना अब इसका थर्ड यूज देखिए थर्ड इसका क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है बाबू इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। कहीं देखो कोई बड़े बड़े मॉल वगैरह बिल्डिंग वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या लगाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर बैंकिंग बैंक में तो क्या होता है फायर इसका बेकिंग सोडा का फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे होता है बाबू ध्यान दीजिए बेकिंग सोडा होता क्या NaHCO3। अब बताइए NaHCO3 है ना अब बताइए NaHCO3 एक्वस लेते हैं क्या लेते हैं एक्वस लेते हैं और किसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बाबू के साथ जब इसको मिक्स किया जाता है तो क्या बनाता है Na2SO4 Na2SO4 एक्वस प्लस CO2 अब प्लस में H2O बनाता है क्या बनाता है बाबू सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और क्या है बैलेंस है नहीं है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2Na हो गया हाइड्रोजन दो है दो चार है तो ये वाटर लिक्विड हो गया ना प्लस में 2H2O लिक्विड हो गया। अब बताओ कार्बन दो 3 2 6 और 4 2 6 2 8 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो हो गया ये बैलेंस हो गया बाबू क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब ध्यान दीजिए ये बेकिंग सोडा था बाबू अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं ये बेकिंग सोडा था बेकिंग सोडा का ही और प्रॉपर्टी हो गया अब आगे हेडलाइन दीजिए ब्लीचिंग पाउडर
ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विथ फॉर्मूला CaOCl2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड देखो ब्लीचिंग पाउडर का सेकंड नाम क्या है बाबू, क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या नाम है? क्लोराइड ऑफ लाइम नाम है। चलिए अब मैन्युफैक्चर आप लिखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर को बनाया कैसे जाता है बाबू? बहुत इजी है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाना सबसे इजी है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय क्या, पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम क्या पास कराते हैं, जैसे CaOH2 क्या लेते हैं वो CaOH2 लेते हैं और प्लस में Cl2 गैस क्लोरीन गैस को जब पास कराया जाता है तो क्या बनता है? CaOCl2 बनता है। अब बताइए साथ में क्या निकलता है? वाटर निकलता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अब ध्यान दीजिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है या स्लैक्ड लाइम कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्लैक्ड लाइम कहा जाता है। तो क्या हुआ, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से के साथ हम क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो क्लोरीन गैस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में वाटर देता है और क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनाता है बाबू? अब देखिए अभी ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टीज क्या है, क्या है प्रॉपर्टी बाबू ब्लीचिंग पाउडर का? ध्यान दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखिए वो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इट इज ए व्हाइट पाउडर होता है,
इट इज ए व्हाइट पाउडर। आप लोग देखे भी होंगे, विथ अ स्ट्रांग स्मेल ऑफ CHLORINE क्लोरीन गैस। इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। दो बाबू ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस CL2 गैस। क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन गैस। ध्यान दीजिए, भेन when ब्लीचिंग पाउडर इज created with excess H2SO4, अगर हम एक्सेस अमाउंट में देखो बाबू, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट लिख लो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो क्या करता है, ऑल द क्लोरीन इज लिबरेटेड, लिबरेट हो जाता है। देखो अगर हमको ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस के स्मेल को रिमूव करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करना होगा, मिक्स करना होगा। तो देखो किसको, ब्लीचिंग पाउडर को, तो CaOCl2 है ना, जब हम CaOCl2 को किसके साथ बाबू, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, यानी H2SO4 के एक्वस लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, CaSO4 मिलता है, प्लस में Cl2 मिलता है, क्या मिलता है, क्लोरीन गैस, और साथ में क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, कैल्शियम